सीधे आपको लिए चलेंगे श्रीनाथ मंदिर, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के लिए पहुंच चुके हैं। राजस्थान का ये प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री का काफिला अभी श्रीनाथ मंदिर में, जहां पर पुष्प वर्षा उनकी गाड़ियों पर की जा रही है। लोग जिस जोश और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की झलक पाने को आतुर हमेशा ही। देवांकुर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। देवांकुर, क्या कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 बजे राजस्थान के राजसमंद पहुंचेंगे। यहां पर नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में पहले तो वो ध्रोप लगाएंगे, और उसके बाद राजस्थान में 3 रेल परियोजनाएं हैं जिसका वो उद्घाटन करने वाले हैं। पर ये भी साफ है कि उद्घाटन के बाद जो सभा है, जिसको उन्होंने संबोधित करना है, जनसभा को संबोधित करना है, उसके जरिए वो इस चुनावी साल में राजस्थान में बीजेपी की राजनीति को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको याद होगा, पहले जब उन्होंने वंदे भारत रेल का उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उन्होंने तंज भी कसा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर। कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर उठापटक मची हुई है, पर उसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की है इस प्रोग्राम में। तो हो सकता है कि आज भी वो कोई राजनीतिक बयान करें या ऐसा कुछ बयान दें जिससे राजस्थान की राजनीति जो पहले ही गरमाई हुई है और ज्यादा गरमा जाए। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवांकुर, समाप्त जानकारी के लिए आपका।